ये मैसेज है शाले टीकाकरण कार्यक्रम प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में पहली पांचवी और ग्यारहवीं कक्षा के बालक बालिकाओं को DPT एवं TD टीका लगा के आज 8 अगस्त 24 प्रारंभ किया गया है। और इस प्रथम चरण में जो कि एक नियमित टीकाकरण का ही हिस्सा है, सभी शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को ये टीकाकरण किया जा रहा है। और पहली पांचवी और ग्यारहवीं कक्षे के जो बालक बालिकाएं हैं उनको ये टीका लगेंगे आज। और पूरे ज़िले में 404 सत्र का आयोजन किया गया है। जिले रीवा जिला मुख्यालय के साथ 9 विकास खंडों में सभी शासकीय विद्यालयों में हो रहे हैं। और जो ये टीकाकरण है इसका UBIN पोर्टल पे एंट्री भी की जा रही है। साथ में प्रत्येक छात्र छात्रा से उसका आधार नंबर लेके मोबाइल नंबर भी प्राप्त किया जा रहा है। और टीकाकरण के बाद वो छात्र अपने मोबाइल पे टीकाकरण का जो प्रमाण पत्र है स्वयं डाउनलोड कर लेते हैं। और ये मुख्यतः गलघोटू, काली खांसी और टेटनस, जिसे धनुष टंकार भी कहते हैं, इन तीन जो घातक बीमारियां हैं ये, इनसे बच्चे सुरक्षित रहें, इसलिए ये टीकाकरण का अभियान पूरे प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में किया गया है। अभी प्रथम चरण है, बाद के चरणों में इसका इस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत फिर निजी जो शालाएँ हैं उनका भी इसमें समावेश करते हुए बच्चों को टीकाकरण। ये TD टीकाकरण कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश के साथ साथ रीवा ज़िले में भी आज से प्रारंभ किया गया है। इसको नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का अंग बनाने के लिए प्रत्येक गुरुवार को, सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को जो हमारे स्कूल हैं वहाँ पर जाके 5 साल, 10 साल और 16 साल के जो बच्चे हैं उनको DPT, TD का टीकाकरण किया जाएगा, जिससे बच्चों को टिटनेस और डिप्थीरिया नामक बीमारी से सुरक्षा मिले। सावधानी इसमें जैसे ऐसा कुछ विशेष नहीं है, नियमित टीकाकरण का एक अंग है। ये आवश्यकता इसलिए समझी गई कि प्रायः माता पिता जो है 5 साल के बाद भूल जाते हैं कि बच्चों को 10वें साल में और 16वें साल में भी टीका लगना है। तो उसकी वजह से डिप्थीरिया के मरीज बढ़ रहे थे, उसको काबू में करने के लिए ये नियमित टीकाकरण का अंग बनाया गया है। और टीका लगने के बाद बच्चे को हल्का सा दर्द और बुखार आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग पैरासीटामॉल का टैबलेट भी बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उसको कष्ट ना हो और 2-3 दिन के अंदर बच्चे को। आज 624 बच्चे यहाँ पर दर्ज हैं जिनको टीका लगना है, उसमें से अभी लगभग 30% बच्चों को लग गया है। अभी शाम तक ये अभियान पूरा हो जाएगा। बच्चों को टीका लगवाने के लिए जो आवश्यक कुछ जानकारियां हैं उनको क्लास में दे दी गई थी, इसलिए सभी बच्चे भय मुक्त हैं और हंसते हंसते टीका लगवा रहे हैं। क्योंकि बच्चों को सुई लगवाने से थोड़ा सा डर होता है, फोबिया भी होता है, हालांकि उसमें डर नहीं होता, बच्चों को ये समझाइश दी गई है, इसलिए वो उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई भय या तनाव नहीं है। साथ ही उनको जो आवश्यक कुछ बातें उन लोगों को बताई गई थी कि बच्चों को शेयर करना है, तो क्लास में उनको बताया गया कि बच्चे थोड़ा सा भोजन करके आएंगे, कुछ टिफिन भी थोड़ा सा लेके आएंगे और सारे बच्चे इस तरह से विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। और साथ ही बच्चों को जब टीका लग जाता है उसके बाद वो थोड़ा सा आधे घंटे 15-20 मिनट यहाँ पर रेस्ट करते हैं, ताकि उन यदि किसी बच्चे के अंदर कोई भय या फोबिया उत्पन्न हो, उसके कारण कोई उनको परेशानी महसूस हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर जो सभी टीकाकरण अभियान में लगे हुए हमारे वर्कर्स हैं वो सब उनको मिल करते हैं। ऐसी अभी तक कोई समस्या नहीं आई, सभी बच्चे आसानी से टीका लगे।
खोले, इसको अपन को टच नहीं करना है, इसको सीधी ऐसा निकालना है, यहाँ कहीं टच नहीं करना है। इसका रेपर निकालना है, फिर इसको अपन ये निकाले, ये भी टच नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ उठाए और इसको सीधे भरना है। अपन यहाँ लिए, इसको 0.5 लेना है। इसके बाद थोड़ा सा इसका एयर निकालना है। इसके बाद अपन बटन लेंगे क्योंकि बच्चा एक बार भरना हो। आ जाओ, आप आ जाओ, फिर आप आ जाओ।